हमीरपुर में डेंगू के 14 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 200 के पार पहुंच गई है। जिले के सुमेरपुर क्षेत्र में मिले सबसे ज्यादा डेंगू के मरीज, गुरुवार को 26 मरीजों की जिला अस्पताल में जांच हुई। 26 में से 14 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें कि लगातार इतने ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अभी भी डेंगू के बच्चे आ रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत ज़्यादा देर समस्या आ रही है। अभी मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, साथ में निमोनिया भी हो रहा है। डेंगू के साथ साथ निमोनिया हो जा रहा है बच्चों में। कुछ बच्चों में देखा जा रहा है डायरिया भी हो रहा है, तो इसमें हल्के भी नहीं लेना। बच्चों को फुल बांध के कपड़े पहनाएं और ठंड से बचाने की कोशिश करें, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। तो ये शुरुआत का मौसम चेंज होता है तो उसमें बड़ी समस्या होती है बच्चों, छोटे बच्चों में खासतौर से, उसमें निमोनिया होने के चांसेस हैं। तो दोनों चीज़ से बचा के रखना है। पलटे कितने केसेस आ रहे हैं डेंगू के? पलटे बच्चे आ रहे हैं निमोनिया को और डेंगू को दोनों मिला के तीन से चार बच्चे हो जाते हैं, इनका आ जाता है। ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन ये इसको गंभीरता से लेना चाहिए। जैसे तेज़ बुखार आ रहा है, ठंडी लग रही है और बुखार नहीं उतर रहा है, तो तुरंत तत्काल अपने नज़दीकी हॉस्पिटल से डॉक्टर से मिले, ताकि उसका सही समय पर सही इलाज हो पाए।